दोस्तों नमस्कार, आप सबका प्रवरा क्रॉप केयर में स्वागत है। आज का विषय है चूहे भगाने का अचूक उपाय। जब आप खेत में चूहों को देखते हैं तो उन्हें देखकर दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि उन्हें खेत से बाहर कैसे निकाला जाए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चूहे मारने के कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं चूहों को मारने व भगाने के तरीके, उपाय और नुस्खे। चूहे मारने के लिए पुदीने के तेल का उपयोग। पुदीने के तेल को एक कटोरी में लेकर उसमें कुछ रुई के टुकड़े डुबाएं और इन रुई के टुकड़ों को चूहे के बिल में या जहाँ भी चूहे छुपते हैं वहाँ पर डाल दें। दोस्तों, अगर आपके पास पुदीने का तेल उपलब्ध नहीं है तो आप पुदीने के पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने के पत्तियों को चूहे के बिल में डाल दें। चूहों को पुदीने के तेल की गंध जरा भी पसंद नहीं होती है। पुदीने के तेल को जैसे ही चूहे सूंघेंगे तो उसके महक उनके फेफड़ों को प्रभावित करेगी और फेफड़े सिकुड़ने के बाद चूहे मर जाएंगे। उपाय नंबर दो, चूहे मारने के लिए मौत बॉल का इस्तेमाल। मौत बॉल चूहों को मारने में मदद करता है। यह आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। मौत बॉल इंसान और चूहों दोनों के लिए विषैली होती है। यह बॉल आपको बाजार में आसानी से मिल जाती है और इनका इस्तेमाल भी आसान होता है। आपको केवल मौत बॉल उन जगहों पर रखना है जहां चूहे आते हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि जब आप इन मौत बॉलों को छुए तो पहले हाथों में ग्लव्स पहन लें या फिर मौत बॉल का इस्तेमाल करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धो लें। उपाय नंबर तीन, चूहे भगाने के लिए प्याज का इस्तेमाल। दोस्तों, प्याज की गंध बेहद तेज और चूहों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। जब चूहे प्याज की गंध को सूंघते हैं तो उस जगह से भाग जाते हैं। यह बेहद ही प्रभावी उपाय माना जाता है। सड़ी हुई प्याज को अगर हम चूहे के बिलों में डाल दें तो वो तुरंत ही आपका खेत छोड़कर भाग जाएंगे। उपाय नंबर चार, चूहे को मारने का चौथा तरीका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपाय। पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस को कोको पाउडर के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें। अब मिश्रण को वहाँ वहाँ डालें जहाँ चूहे छुपते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि मिश्रण सूखा हो। चूहे चॉकलेट की तरफ आकर्षित होते हैं, इस तरह वो मिश्रण खाकर मर जाएंगे। उपाय नंबर पाँच, चूहों को मारने के लिए अमोनिया का इस्तेमाल। अमोनिया के इस्तेमाल से चूहे इसकी गंध को सहन नहीं कर सकते। सूंघने के बाद वो तुरंत ही मर जाते हैं। इस तरह यह उपाय बेहद ही प्रभावी माना जाता है। तो आइए देखते हैं अमोनिया का इस्तेमाल कैसे करें। एक बड़ी कटोरी में 2 बड़े चम्मच डिटर्जेंट पाउडर का डाल दें। अब आधा ग्लास पानी उसमें मिला दें। फिर 2 कप अमोनिया को इस मिश्रण में डाल दें और अच्छी तरह मिला दें। पूरे मिश्रण को अच्छे मिलाने के बाद इस मिश्रण को वहाँ रखें जहाँ चूहे अधिकतर छिपते हैं। उपाय नंबर छह, चूहों को मारने के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल। तो दोस्तों आइए देखते हैं चूहों को मारने के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल कैसे करें। लाल मिर्च की तेज गंध चूहे के लिए बेहद ही खतरनाक होती है। लाल मिर्च को सूंघकर चूहे सांस नहीं ले पाते हैं और इस तरह वह मर जाते हैं। जहाँ जहाँ आपको चूहे आने की संभावना अधिक लगती है वहाँ लाल मिर्च को तोड़कर डाल दें। इससे आपको एक सकारात्मक परिणाम मिलेगा। अगर जरूरत पड़े तो इस प्रक्रिया को आप फिर से दोहरा सकते हैं। चूहों को मारने का सातवां उपाय, चूहों को मारने के लिए गौमूत्र और गाय की गोबर का इस्तेमाल। दोस्तों, गाय की गोबर और गौमूत्र को एक बाल्टी में मिक्स कीजिए और इस मिश्रण को चूहे के बिलों में और जहां पर भी चूहे छुपते हैं वहां पर डाल दें। गाय का गोबर और गौमूत्र के मिश्रण से इन दोनों से मीथेन गैस रिलीज होता है और यह मीथेन गैस चूहे के बिल में फैल जाएगा, जिससे चूहों को सांस लेने में तकलीफ होगी और वह तुरंत मर जाएंगे या तो फिर भाग जाएंगे। उपाय नंबर आठ, दोस्तों यह उपाय बहुत ही कारगर है। इस उपाय को करके आपको चूहे से 100% राहत मिल सकती है। यह उपाय करने के लिए आपको 3 किलो बेशरम के पत्ते, 2 से 4 तक धतूरे के फल, 3 लीटर पानी, इन सब को एक साथ उबालें। पानी जब उबलकर 3 से 1.5 लीटर हो जाए तब उसमें 2 किलो चने मिला दें और 3 घंटों तक उन चनों को इस पानी में भिगोए। इसके बाद इन चनों को चूहे के बिलों में डाल दें। इससे चूहे चने खाकर मर जाएंगे। उपाय नंबर 9, चूहे भगाने के लिए गिरी पुष्प का इस्तेमाल। दोस्तों, गिरी पुष्प यह एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियों से चूहे बहुत ही डरते हैं। इन गिरी पुष्प की पत्तियों को, जिसे इंग्लिश में ग्लिसरीडिया भी कहते हैं, इन पत्तों को चूहों के बिलों में डाल दें। इन पत्तियों की गंध चूहे सह
सहन नहीं कर सकते। चूहे या तो मर जाएंगे या फिर आपके खेत को छोड़ के भाग जाएंगे। दोस्तों, अगर आप एक पेड़ गिरी पुष्प का अपने खेत में लगाएंगे तो जब गिरी पुष्प को फूल आते हैं तब उस फूल की गंध से चूहे आपके खेत तक भटकेंगे भी नहीं। दोस्तों, ये भी बहुत ही कारगर और प्रभावी उपाय है, इस उपाय को जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ सरल और सटीक उपाय जिससे आप चूहों को अपने खेत से भगा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ बहुत जरूर शेयर करें। अगर खेती से जुड़ी आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।